दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम का आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सारे कुछ भूल चुके हो और आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट वापसी से लॉगिन करना है तो कैसे करोगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस कैसे ला पाओगे। यानी कि आप अपने आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सारे कुछ भूल चुके हो, मतलब कुछ भी याद नहीं है, फिर भी आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन कर पाओगे यानी कि वापसी ला पाओगे। तो कैसे करोगे, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते ही आपको सबसे पहले लाइक करना होगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लाते रहता हूँ। चैनल बटन को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन आपको दिखेगी और यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ मोबाइल का। आपको ना ही किसी आईडी की जरूरत है, ना आपको यूजर नेम पता है, ना आपको कुछ भी पता नहीं, ना पासवर्ड पता है अपना इंस्टाग्राम का, बट आप उसको आसानी से वापसी ला पाओगे, अपने फिर से लॉग इन करके यूज़ कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखो, सिंपली से यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन। अब यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है। क्रोम ब्राउजर पर आके सर्च करना है Instagram.com, और ये क्रोम ब्राउजर से ही करना क्योंकि मैं क्रोम ब्राउजर से बताने वाला हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहता है, डायरेक्ट Instagram से आप मत करना। तो यहाँ पर देखो क्रोम, आप Instagram से भी कर सकते हो, बता देता हूँ, बट ये क्रोम ब्राउजर से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी देखो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा Instagram.com आने के बाद। यहाँ पर देखो दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना लॉगिन वाले सेक्शन पे। बट अभी तो आपको ना फ़ोन नंबर, मतलब पासवर्ड, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ भी आपको पता नहीं है, तो और पासवर्ड तो पता ही नहीं है, तो बिल्कुल आप कैसे ये करोगे। तो यहाँ पर नीचे एक फॉरगेट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फॉरगेट पासवर्ड। बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी आपको यूज़र नेम मांगा जाता है, यानी यूज़र नेम जो आपका होता है आईडी, वो मांगा जाता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कैसे लाओगे अपने यूज़र नेम को वापस। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप अपने किसी फ्रेंड या किसी दोस्त लोगों के मोबाइल में जाके अपना इंस्टाग्राम आईडी को सर्च करके देख लेना, ऊपर वाला आईडी को कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मेरा यूज़र नेम मुझे पता फिर भी नहीं पता है, और वैसे अगर आपका दोस्त लोग नहीं बता रहे तो आपको यहाँ पर ईमेल या फ़ोन नंबर डालना होगा। अब देखो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने एक फ़ोन नंबर डाल दिया, और फ़ोन नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पर सेंड लॉगिन लिंक पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेंड लॉगिन लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कंफर्म इट्स योर लॉगिन, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के साथ नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करोगे, फोन नंबर तो सभी के पास होगा, आप लोग फोन नंबर डाल के कर सकते हो। यहाँ पर देखो SMS सेंड कर दिया गया, यहाँ पर ओके कर देना है। SMS मेरे उस नंबर पर सेंड कर दिया गया। अब यहाँ पर आपके सामने मैसेज आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वेट करते हैं हम लोग जब तक मैसेज नहीं आएगी, क्योंकि मैसेज आने में कई बार 2-3 मिनट भी लग जाते हैं, कई कई बार 1 मिनट में, कई कई बार 5-10 सेकंड में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैसेज आती है, देख लो मैसेज आ चुकी है आपके सामने, और यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या मैसेज आया है। तो यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम लिंक मुझे दिया गया है, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को, और उसके बाद हम लोग वापसी से क्रोम ब्राउजर में जा करके यहाँ से जो हम लोग लिंक कॉपी की, यहाँ से जो लिंक कॉपी किए वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करने के साथ यहाँ पर देखो पेज लोडिंग लेगी। पेज लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा मेरे, डायरेक्ट यहाँ पर देखो पासवर्ड पूछा जाने लगा, डायरेक्ट पासवर्ड रखने के लिए बोला गया न्यू पासवर्ड। तो ये आप अपने आईडी को बिना किसी आईडी पासवर्ड सब भूल चुके हो तो आप आराम से अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो वापसी। अब देखो यहाँ पर न्यू पासवर्ड मुझे मांगा जा रहा है, मतलब मैं न्यू पासवर्ड रखूंगा, और नीचे कन्फर्म न्यू पासवर्ड उस पर भी आपको वही पासवर्ड डालना होगा, जिसके वजह से आप अपने पासवर्ड भी जान गए यानी चेंज हो जाएगा, और वो पासवर्ड भी आपको पता रहेगा, और आपका आईडी भी लॉगिन हो जाएगा बिना किसी पासवर्ड जाने और बिना कुछ किए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पासवर्ड रख के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड रख लिया, और पासवर्ड रखने के बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देख लो लोडिंग ले रही है, और लोडिंग लेने के बाद हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो। तो वही आईडी मेरी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, और यहाँ नीचे सेव पासवर्ड कर देता हूँ ताकि आप भविष्य में कभी सेव ना करना पड़े। तो यहाँ पर देख लो हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है बिना किसी पासवर्ड, बिना किसी कुछ जाने हुए। इस टाइप से आप लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी को वापसी ला सकते हो बिना पासवर्ड, बिना आईडी के। सो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। नॉलेज मिल गया तो कि मैंने कहीं मत जाइएगा, और आपका कोई प्रॉब्लम या सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना क्या आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।